केंद्र की मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में किसानों, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा और सेना के जवानों के लिए अपना खजाना खोल के रख दिया है। एक ओर सरकार ने आम आदमी को 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स मुक्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सेना के जवानों को मिलने वाले बोनस राशि को 2 गुना कर दिया गया है। अब सैनिकों को 3500 रुपए के स्थान पर 7000 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। साथ ही ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने रक्षा के क्षेत्र के लिए अपना खजाना खोलते हुए ऐलान किया है कि इस बार का रक्षा बजट का आवंटन 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। रक्षा बजट में पहली बार इतनी बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया है। वहीं हाई रिस्क में ड्यूटी कर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साहस को सलाम करते हुए उन्होंने भत्ते में भी इजाफा किया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर देश की सीमाओं को सुरक्षित और बेहतर बनाए रखने के लिए अगर जरूरत होगी तो और पैसा दिया जाएगा। भारत के दो दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध के चलते 2019 के बजट में इजाफे की उम्मीद की जा रही थी, जिसे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पूरा भी किया। हालांकि पिछले वर्ष में रक्षा बजट में की गई वृद्धि से इस साल के इजाफे में कहीं ज्यादा रही। 2018 का बजट 2.95 लाख करोड़ था, यानी कि इस बार बजट में 5000 करोड़ की वृद्धि हुई है, जबकि पिछली बार रक्षा बजट 20,000 करोड़ रुपए से बड़ा था। 2017 का रक्षा बजट 2.74 करोड़ था। पीयूष गोयल ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन ORP का मुद्दा, जो पिछले 40 वर्षों से लंबित था, अब इसे हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों ने 3 बजटों में इसकी घोषणा की थी, लेकिन 2014-2015 के अंतरिम बजट में मात्र 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसकी तुलना में इस योजना को क्रियान्वित करने के बाद पहले से ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित कर चुके हैं। पीयूष गोयल ने संसद में कहा है कि हमारे सैनिक दुर्गम हालातों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और वे हमारा गर्व और सम्मान है, लिहाजा सरकार ने उनके सम्मान पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।